खबर टोंक जिले के देवली से है, जहां पर बिसलपुर बांध की डाउन स्ट्रीम नदी में नहाते हुए बहे दो युवकों में से एक युवक का शव राजमहल के पास तैरता हुआ मिला। आपको बता दें कि रेस्क्यू टीम सोमवार शाम से नदी में बहे दो युवकों की तलाश कर रही है। इस दौरान बुधवार को शिलाबारी दह में शव तैरता हुआ दिखाई दिया, जिस पर रेस्क्यू टीम ने शव को नदी से बाहर निकाला और शव की शिनाख्त मुबारक अली के रूप में की। वही घटना में दूसरे युवक लोकेश मीणा की तलाश जारी है।